नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और स्वागत करता हूँ आपका क्रेजी मिंटू ब्लॉग्स में। चलिए आज मैं आपको जो है अपने बेटे से मिलाता हूँ, क्योंकि वो नानी के यहाँ गया था। मैंने आपको जो पहले ही बताया था, क्योंकि वो आपको मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैगी खानी पड़ रही है, तो वो मैगी अब शायद नहीं खानी पड़ेगी क्योंकि बच्चे आ गए हैं। अब आ गए हैं तो चलो आपको जो है आज अपने नटखट से मैं जो है मिलवाता हूँ। और देखो वो वाकई में अभी भी देखो कहाँ लगा हुआ है, अगर आपको दिख रहा होगा देख लीजिए, यानी कि वो मेरे सेट पे बैठा हुआ है। अब कोई मतलब नहीं है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ कह नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ नहीं कोई मतलब। देखो आपने उसमें लगा हुआ है, भाई मैं तेरे से ही बात कर रहा हूँ। हेलो, आप बहुत ये गंदे हो। आपने मेरे को अपने ब्लॉग में मेरा इंट्रोडक्शन भी नहीं करा, और आपने ये भी नहीं बताया आपने दूसरा चैनल कब खोला। भाई देख, जब तू यहां था ही नहीं तो मैं करता क्या? तो आप फोन करके भी तो बता सकते थे। चल ठीक है कोई बात नहीं, अब जो मैंने बता दिया है तेरे को, देख इंट्रो भी करा रहा हूँ। चल अब जरा अपना इंट्रो दे दे बढ़िया से। चल भाई लो, भाई मिलो जरा हमारे। सो माय नेम इज तन्मय यादव, आई स्टडी इन क्लास 8 डी। देखो कितना नर्वस है, देखो नर्वस है, क्योंकि वो कहते हैं देखो हर एक के बस का नहीं होता कई बार कैमरे के सामने बोलना, और धीरे धीरे फ्लो बनता है। मुझे भी पहले थोड़ा सा अटपटा लगता था, लेकिन अब यह है कि मेरा फ्लो बन गया है। लेकिन आज जो है, आज देखो इससे भी नहीं बोला गया, होता है ऐसा, फर्स्ट टाइम जब ऐसा कुछ होता है तो चलता है। अच्छा सबसे फेवरेट चीज क्या है वो बता। खाना खाना, गेम खेलना। देखो इसकी सपोर्ट पूरी तरीके से इसकी दीदी कर रही है, किसी दिन उसको भी जो है आपसे मिलवाऊंगा। लेकिन ये देखो जवाब उससे पूछ रहा हूं तो जवाब उधर से आ रहा है, पूरे दिन गेम खेलता है। देख लो आंसर कहीं से आ रहा है, ये कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन ये है कि हाँ हकीकत उसको पता है, उसको हकीकत पता है इसीलिए वो बता रही है। लेकिन ये नहीं बता रहा अपनी अपनी कमी, ये नहीं बता रहा कि मेरे अंदर ये कमी है। चल भाई गेम ही बता दे, कौन सा गेम तुझे ज्यादा पसंद है? रोब्लॉक्स ये क्या होता है? एक गेम है जिसमें हमें मतलब बहुत सारे गेम्स, उसके अंदर भी बहुत सारे इनबिल्ट गेम्स होते हैं जो हम खेल सकते और हैं। पबजी वो तो अलग है ना, पबजी तो। पबजी ये है साहब गेम खेलने का इनका, कि ये जो है जब भी हमारा सेट जिन्हें खाली मिल जाता है तो बस उस पर अपना गेम शुरू। तो अब गेम बता भाई, कौन सा गेम पसंद है? मेरे को मैं बताया तो रोब्लॉक्स। रोब्लॉक्स ये क्या होता है, कैसे खेलते हैं? ये मतलब एरो से ही खेलते हैं, और ये मेनली ये गेम होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे इनबिल्ट गेम्स होते हैं जो हम भी क्रिएट कर सकते हैं और बाकी लोग भी क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा चलो ये तो ठीक है, लेकिन आज पहला दिन स्कूल का था, हाँ कुछ करके आया यूं ही बस घूमघाम के आ मस्ती, गए? क्योंकि आज कोई भी टीचर नहीं आई थी, बहुत कम एक दो टीचर आई थी, बाकी सब अरेंजमेंट या फ्री पीरियड भी लगे। अच्छा ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि बहुत सारी टीचर जो अभी अपने होम टाउन और वो सब गई थी यार, तो कैमरे पे देख के बोलना तेरे को लोग देखेंगे, ये सब पहचानेंगे कि ये हमारे सर का बेटा है, तो कैमरे पे देख के बोल, चूहे की तरह दांत मत दिखा। इसलिए क्योंकि बहुत सारी टीचर जो होम टाउन गई थी वो हाँ अभी नहीं आई है, और कुछ कुछ ने छोड़ दिया है इसलिए। अच्छा कुछ कुछ ने छोड़ भी दिया, ओके ये बात छोड़ दिया, यानी कि अब सारी नई मैडम आ जाएंगी इसका मतलब है? नहीं मैडम, नहीं मतलब अगर किसी ने छोड़ दिया या तो वो वापस भी आ सकते हैं, और अगर जैसे नहीं आई तो फिर नहीं आएंगी मैडम। अच्छा, आपको एक चीज और दिखाता हूँ, देखो गौर से देखना। आपने इससे पहले भी मेरा यहाँ सेटअप देखा था, कमरा बिल्कुल ठीक ठाक था, अब ये आ गए हैं तो देखो मैं इस कमरे की हालत दिखाता हूँ आपको, जो है कमरे की हालत से अंदाजा हो जाएगा कि घर में जब बच्चे आ जाते हैं तो क्या हालत होती है। ये देखो आप, ये इनके गेम्स के कुछ सामान पड़े हुए हैं, वो देखो यहाँ स्टडी कर रहे हैं तो बैग वहाँ एक पड़ा हुआ है, कुछ बुक्स आप देख रहे होंगे ये बेड पे यहाँ पड़ी हुई हैं, वो देखो पानी की बोतल, वो कुछ और इनका कुछ मटेरियल पड़ा हुआ है, यानी कि कुल मिला के कमरे को वो कहते हैं ना कि तहस नहस, सब कुछ अस्त व्यस्त, बच्चों वाला घर। और जब तक हम अकेले थे, जब तक ये गए हुए थे, एकदम साफ सुथरा था, क्लीन, कुछ नहीं, कोई भी चीज़ इधर उधर नहीं थी। लेकिन अब आ गए तो देखो हमारे सिस्टम पे भी कब्जा कर लिया आज से सिस्टम मेरा, कमरे को भी कर लिया आज से कमरा भी मेरा। ऐसा भाई कमरा तो खैर मेरा ही रहेगा, ये है कि भाई मेरी एब्सेंस में तुम लोग इस्तेमाल कर रहे हो तो वो कर लो, एक अलग बात है।
देखो गेम गेम खेलता रहता है और करता क्या है कि जब मुझे देख लेगा या मम्मी को देख लेगा तो किताब लेके बैठ जाएगा, आगे पीछे क्या करेगा अपना गेम खेलेगा। लेकिन एक कंप्लेंट इसकी हमेशा से रहती है, चलो यही बताएगा, कंप्लेंट बता भाई। देखो मैं इनकी वीडियो एडिट करता हूँ तो मैं इनसे 150 रुपया मांगता हूँ, ये मेरे को 150 रुपया भी नहीं देते, तो मेरे आप ही बताओ मैं क्या तो नहीं वो ऐसे नहीं भाई, वो स्टाइल बता यार, ऐसे थोड़ी किस स्टाइल से मांगता है। मेरे को 150 रुपया चाहिए। मेरा 150 रुपया एक बार जरा और दोबारा से, मेरे को मेरा 150 रुपया चाहिए। चल इस बार जरूर दे दूंगा तेरा 150 रुपया। तो ये साहब इनका कुछ उधार है, एक बार हुआ ये था कि हमें कुछ नॉलेज नहीं थी तो इन्होंने हमें बता दिया कि नहीं इसको पापा ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो उस बात का इन्होंने कहा कि नहीं मुझे 150 रुपये चाहिए तब करूँगा इस काम को, तो वो इनका उधार अभी तक बाकी है। चलिए साहब ये थी आज की कुछ चटपटी चीज़ें, घर के में क्या चल रहा है। चलिए फिर मिलते हैं किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए।